आज का ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं के में भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है और मेंस में भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। फिर चाहे सिविल सर्विस का मेंस हो या फिर आप देखेंगे स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी या आपका यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, इनमें भी आपका बन सकता है क्योंकि काफी चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा है न्यायिक अवमानना का एक अभी जो आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण साहब थे उनके ऊपर जो चला न्यायिक अवमानना के तहत उन्हें सजा का भी बात की जा रही है और इसके तहत देखेंगे जो भी आपके प्रावधान होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि किस कारण चर्चा में बना हुआ है, फिर बात कर लेंगे कि न्यायिक अवमानना आखिर होता क्या है। ये अगर शब्द में है, चर्चा में है, तो इसके बारे में हमें मालूम तो होना चाहिए कि आखिर है क्या है। न्यायिक अवधारणा का विकास क्रम देखेंगे, न्यायिक अवमानना के प्रकार देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 को भी देखेंगे और जो संशोधन किया गया 2006 में उस पर भी हम लोग बात करेंगे, न्यायिक अवमानना अधिनियम के संविधानिक प्रावधान क्या है उस पर भी बात करेंगे, न्यायिक अवधारणा में शामिल तथ्य देखेंगे, न्यायिक अवमानना में शामिल नहीं क्या क्या शामिल नहीं है उन्हें भी बात करेंगे और न्यायिक अवमानना पर दंड कितना यानी कि सजा कितनी हो सकती है उसे भी बात करेंगे, न्यायिक अवमानना बनाम अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की आजादी उस पर भी बात करेंगे और अन्य चिंताएं भी देखेंगे और इससे पहले जो भी अवमानना के अभी तक केस हैं, उदाहरण हैं, उन पर भी बात करेंगे, विधि आयोग का मंतव्य भी देखेंगे और इस पर आपका क्या सोचना है। लास्ट पहले आप लोग क्लास को सुन लीजिए, उसके बाद आपका क्या सोचना है आप लोग नीचे बता सकते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि न्यायिक अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्वीट से संबंधित विषय में स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को अवमानना के मुद्दे पर दी जाने वाली सजा पर सुनवाई करेगा। कब? 20 अगस्त को। न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की इस पीठ ने कहा है कि यह अवमानना का गंभीर मामला है। इस पीठ में न्यायाधीश अरुण मिश्र के अलावा न्यायाधीश बी आर गावी और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी भी शामिल थे। इनको भी याद रखिए, हो सकता है इनसे भी आपका क्वेश्चन बन जाए। दरअसल यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया साइट है ट्विटर पर पोस्ट किए गए कथित अवमाननाकारक ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की थी। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि 6 साल में किस तरह से हमारे देश के में लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है, एक तरह से लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए थे और एक आपने बाइक देखा होगा उस पर भी इस तरह के कमेंट दिए हुए थे। और जो मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात है, आप देख रहे हैं 3-4 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस पर भी उन्होंने बात की थी। प्रशांत भूषण ने वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की तीखी आलोचना की थी। इस आलेख में न्यायिक अवमानना की उन्हीं की बात करने वाले हम लोग। जो आप देख रहे थे पलायन एक राज्य से दूसरे राज्य हो रहा था, कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे लोग, तो उस पर भी उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था कि इसमें न्यायालय को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायिक अवमानना से तात्पर्य क्या है आपका? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना कर किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है, न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन ना सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई निर्णय होता है, उस तरह से भी आप लोग अगर उसके निर्णय पर भी सवाल उठाते हैं या उसके ऐसा कोई भी आप वक्तव्य देते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सम्मान पर ठेस पहुंचती है, तो आपके ऊपर न्यायिक अवमानना का केस लगेगा। न्यायिक अवधारणा का विकास क्रम की बात करें अगर हम लोग, तो न्यायालय की अवमानना संबंधी अवधारणा का अस्तित्व इंग्लैंड में कई सदियों से है। इंग्लैंड में से एक सामान्य कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य राजा की न्यायिक शक्तियों की रक्षा करना,
पहले आप देखते थे कि कौन होता था न्यायिक, मतलब आप सोचिए किसी को सजा देना है, किसी को बचाना है, तो कौन करता था ये काम? राजा महाराजा। तो आप समझ सकते हैं कि राजा महाराजा कोई निर्णय दे दे, उसके खिलाफ कोई ना बोले, राजा के खिलाफ कोई ना बोले, तो इस तरह के नियम कानून लाए जाते थे, तो उसी को यहां रख दिया गया है। शुरुआत में राजा स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था, परंतु बाद में इन शक्तियों का प्रयोग न्यायाधीशों के एक पैनल जो राजा के नाम पर कार्रवाई करता था है द्वारा किया जाने लगा। न्यायाधीशों के आदेश के उल्लंघन को स्वयं राजा की अपमान के रूप में देखा जाता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि न्यायाधीशों को कौन नियुक्त किया? राजाओं ने। अगर न्यायाधीशों का जो भी आदेश है अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो आप कह सकते हैं कि राजा के अपमान हो रहा है एक तरह से। समय के साथ न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा या फिर उस उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में भी बाधा उत्पन्न करना या ऐसी कोई टिप्पणी या कार्य करना जो उनके पिति अनादर दिखाते थे, दंडनीय माने जाने लगे। भारत में न्यायिक अवमानना के कानून स्वतंत्रता से पहले से ही विद्यमान थे। प्रारंभिक उच्च न्यायालयों के अलावा कुछ रियासतों के न्यायालयों में भी ऐसे कानून विद्यमान थे, भारत में भी। अगर हम न्यायिक अवमानना के प्रकारों की बात करें, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(a) के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। सिविल अवमानना, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(b) के अंतर्गत न्यायालय किसी निर्णय, डिक्की, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रतिक्रिया की जानबूझकर की गई अयोग्यता या फिर उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाती है। आप सब कह सकते हैं कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश दिया है या कोई रिट जारी की है, इसका अगर कोई जानबूझकर इसकी अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो इसके तहत आप सोचिए कि सिविल अवमानना कहलाएगा और सिविल अवमानना के तहत उस पर केस चलेगा। आपराधिक अवमानना, न्यायिक अवमानना का अधिनियम 1971 की धारा 2(c) के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ है कि न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या फिर किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती है, तो इसे आपराधिक अवमानना की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं ये 1971 का आखिर न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है क्या? यह अधिनियम न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, रिट आदि को अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है। यह अधिनियम न्यायालयों की को किसी भी निर्णय, रिट, निर्देश या फिर आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अयोग्य करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश C.S. कर्डन को 6 माह का कारावास का दंड मिला था। आपको मालूम होगा कि उस समय इन आपने देखा होगा कि इस तरह का एक न्यायाधीश थे C.S. कर्णन, उनके आदेश पर इन्होंने खुशी भी जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि सही बात है। न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 के बारे में अगर बात करें, संशोधन हुआ था जो इसमें, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13 के तहत सत्य और सुविश्वास जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 को लाया गया था। न्यायिक अवमानना की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपनी बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम के उद्देश्य की अगर बात करें तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम लोग सभी न्यायालय जो भी निर्णय देता है उस पर हम लोग भरोसा करते हैं। आपने देखा है यार कि राम मंदिर वाला जो विवाद था उस पर निर्णय आया, देश में सभी जगह शांति बनी रही और सभी को भरोसा रहा। कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उस पर आपने देखा है कि पूरी तरह से सहमति भी जताई है। आप सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट की निर्णयों पर अगर इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे तो आप सोचिए कि किसी को भरोसा नहीं रहेगा। तो इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए कोई इस पर टिप्पणी ना करे, इसीलिए इसे लाए गए इस अधिनियम को और इस न्यायिक अवमानना। अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों को भय, पक्षपात की भावना के बिना कर्तव्यों का निर्वाह करने में सहायता भी करती हैं। न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को
लागू करती है तथा न्यायालय के आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन करवाने हेतु समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाए रखने में सहायक भी होती है। अगर हम लोग न्यायिक अवमानना अधिनियम के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना की शक्तियां भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों अर्थात अनुच्छेद 129, 142, 2 और 215 से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 129 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 142 2 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच या फिर उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। अनुच्छेद अगर 215 की बात करें तो प्रत्येक राज्य की उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम भी बनाता है। न्यायिक अवमानना में शामिल तत्वों की अगर हम बात करें तो संपूर्ण न्यायपालिका या फिर अलग अलग न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना, न्यायालय के निर्णयों और न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी तरह के अपमानजनक हमले करना। आपने देखा है कि इन्होंने न्यायाधीशों के आचरण पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ और न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप भी लगाए हैं। न्यायिक अवमानना में शामिल नहीं है क्या क्या नहीं है? न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग में न्यायालय की अवमानना नहीं होगी। किसी भी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद न्यायिक आदेश की युक्तिसंगत निष्पक्ष आलोचना करना, फिर आपका न्यायिक अवमानना पर दंड की बात करें अगर सजा की कि इसमें सजा का प्रावधान क्या है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है और यह दंड 6 महीने के का साधारण कारावास या फिर 2,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उनके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति है। उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है। और तो यही होगा जो वरिष्ठ वकील साहब हैं प्रशांत भूषण, उन्हें इसी तरह की कोई सजा दी जाएगी। ठीक है, न्यायिक अवमानना बनाम अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की आजादी की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा न्यायालय की कार्य प्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि आप अगर न्यायालय के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कानून का बहुत व्यक्ति पर अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है। अन्य चिंताओं की अगर बात करें तो अवमानना अधिनियम न्यायपालिका के लिए हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वे स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका में रहते हैं। अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का अति महत्व होता है, जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगाता है। एक तरह से आप सोचिए कि लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप बोलिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर आप सोचिए इस तरह से अगर प्रतिबंध लगाए जाने लगे तो कल कोई नहीं बोलेगा। आज आप पलायन पर सही भी आप कह सकते हैं, पलायन पर उन्होंने जो कहा था कि इस तरह से लोग मर रहे हैं रोड पर, आप देख रहे थे किस तरह से कट रहे थे लोग, तो इस पर कुछ तो बोलना चाहिए था, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट किसी को भी। तो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में कोई नहीं बोलेगा, आप सोचिए, क्योंकि अगर इस तरह के सभी को अगर सजाएं होने लगी तो जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इस तरह के प्रावधान होंगे, तो ये चिंता का कारण बना हुआ है और लोकतंत्र के लिए भी ये नुकसानदायक है। न्यायिक अवमानना अधिनियम में व्यक्ति की रक्षा उपायों के संबंध में प्रावधान का अभाव है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। भारत में न्यायिक अवमानना अधिनियम वर्तमान में भी प्रचलन में है जबकि ब्रिटेन में इसे काफी पहले ही
समाप्त कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि बेटेन यानी कि जहां से इसका जन्म हुआ वहां इसे खत्म कर दिया गया है। न्यायिक अवमानना के उदाहरण की बात करें तो हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954, न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट का एक आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, न्यायिक अवमानना हो सकती है। के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ताबाद 1971 में, कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है या फिर न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या फिर सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 129 बार अनुच्छेद 142 एक साथ पढ़ा जाएगा, वैसे न्यायिक अवमानना का कृत्य माना जाएगा। ये आपके कुछ इसमें जो ये आपके एक तरह से निर्णय थे जिसमें इनकी परिभाषा बताई गई कि किसे किसे अवमानना माना जाएगा। विधि आयोग का मंतव्य क्या है? विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्यायिक अवमानना अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे निम्नलिखित कारण है, क्या है इसके? अवमानना के अत्यधिक मामले, आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में सिविल 96,993, कितना 96,993, और आपराधिक अवमानना 583 के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी से साबित होता है कि कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है। अवमानना से जुड़ी शक्ति का स्रोत की बात करें तो आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना से जुड़ी शक्तियां संविधान से मिली हुई हैं। अधिनियम सिर्फ अवमानना की जांच और दंड के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है, इसलिए अधिनियम के संशोधन या उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों में नकारात्मक प्रभाव, संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उनकी अवमानना करने पर दंड देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम उच्च न्यायालयों को इस बात की अनुमति भी देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकते हैं। आयोग का मत है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया जाएगा तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी अवमानना के मामले में से निपटने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास है ये शक्ति और सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय है इनके पास इस तरह के कोई उपाय नहीं है। अस्पष्टता, आयोग का विचार है कि अवमानना की परिभाषा में संशोधन करने से अस्पष्टता आ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत प्राप्त अवमानना शक्ति संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं रहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की अनेक परिभाषाएं और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए परिभाषा को बरकरार रखा जाए। पर्याप्त रक्षा उपाय, आयोग ने बताया कि अधिनियम का दुरुपयोग कर रोकने के लिए अनेक रक्षा उपाय किए गए। उदाहरण के लिए अधिनियम में कई प्रावधानों में ऐसे मामले पेश किए गए जिन्हें अवमानना नहीं माना गया है। तो लास्ट में कह सकते हैं कि न्यायपालिका को दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों अर्थात अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायालय की अवमानना की शक्ति को संतुलन करने की दिशा में प्रयास करना होगा, जिससे दोनों में बैलेंस बना रहे। तो ये है आपकी न्यायिक अवमानना की कहानी, एक तरह से साधु हूं सर साहब की मामले में, ठीक है।